और सुना कि भूत भावन के पावन पिनाक अपने स्वार्थ मात्र अपनी पुत्री के विवाह के लिए राजा जनक ने वेदी पर स्थापित कर दिया। भूत भावन के पावन पिनाक ये रावण जब तक आपके पास है, यदि किसी ने तुम्हारी तरफ देखा या छुआ तो ये चंद्रहास उसके गलकंठ पर चल जाएगी और उसको शीश थर से अलग कर वेदी पर स्थापित कर दूंगा। वैसे कहने को तो पुर नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता बने फिरते हैं धर्म के ठेकेदार और कार्य सूली पर चढ़ाने का। वाह, आज तक जो समाधान हुए और या तो इससे शास्त्र से और नहीं तो शस्त्र से दो। अब मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकानों में पुरानी चीजें कौन रखता है और शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है। हम हैं गिरती दीवार को थामे और सरीखे से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। वैसे कुछ नियम जो बनाए सिद्धांतों ने, ना अति दूरे ना अति तीरे बले ना दुर्बले ना अति दूरे ना अति तीरे बले दुर्बले और वृत्तहीने मूर्खे सुकन्या ना दिए थे। इन छह व्यक्तियों को, इन छह व्यक्तियों को अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे ना अधिक दूर ना पास के ग्राम में, ना अधिक दूर करना चाहिए और ना पास के ग्राम में। इसका भी कारण होता है, यदि तुमने दूर विवाह कर दिया वर्षों उसकी सूचना नहीं मिलेगी, यदि पास के ग्राम में कर दिया और तुम्हारे रिश्तेदार मिलने आए रोज तो तुम उनका सम्मान नहीं कर सकते। और वृत्तहीने मूर्खे चरित्रहीन व्यक्ति मूर्ख को, इन छह व्यक्तियों को अपनी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। राजा जनक ने यह भी विचार नहीं किया और घर वर धर जो हो अनुपा और करिए विवाह सुता अनुरूपा। यदि शास्त्रों से करना चाहिए तो पहले घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं, बस प्रण कर दिया। और प्रण कर दिया वो भी भूत भावन के पावन पिनाक को दो खंडों में परिवर्तित करने का प्रण। कहते हैं पुर नर नार सुभग सुचिंता बने फिरते हैं धर्म के ठेकेदार। मैं अपनी वाणी को अर्ध भरा। मिथिला समाज के अंतर्गत सम्मानित दशानन जी का आगमन, आज मिथिला समाज में निश्चित रूप से वीरों का संगम हुआ है और उन वीरों की समाज में विश्व के प्रचंड वीर दस सिरताह बीस भुजदंडा रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम का प्रचंड वीर भी आया है। अंततः यह मिथिला समाज अपने समक्ष इस वीर को पाकर के गौरव का अनुभव कर रही है। यद्यपि यह मिथिला समाज ही नहीं अपितु यह बाण भी अपने समक्ष ऐसे वीर को पाकर के गौरव का अनुभव कर रही है। जाकर के मिलना चाहिए क्योंकि सभ्यता और संस्कृति हमारे नैतिक कर्तव्य है।
आए हुए आगत का स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। और सिद्धांत भी कहता है वीर वीरेण पूज्यते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए, वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, चल करके मिलते हैं। और इनके द्वारा रखे गए विचारों का हम अपने विचारों के माध्यम से समुचित उत्तर देने का प्रयास करते हैं और इन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। कंचन नगरी सम्राट, विश्व के वैभवशाली सम्राट, रथ संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षेंद्र, माँ केक्षी के गोद के प्रसून दशग्रीव दशानन, जय जय श्री शंकर भगवान की। बैरोचन के वंशस्व बलिपुत्र बालासुर, जय जय भोले शंकर भगवान की, जय शंकर भगवान की। समाली दशानन जी, कहें आपने जो यहाँ पर घोषणा की और कुछ बिंदु भी रख के कुछ राजा जनक पर आरोप भी लगाए, यद्यपि आपने बहुत सारे बिंदु रखे हैं, मैं क्रम से सभी बिंदुओं को लूंगा और क्रम से आपके प्रति प्रत्येक बिंदुओं का समुचित उत्तर देने का प्रयास करता हूं। आपने एक बात कही थी कि जो घर बार कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा, और आपने एक बिंदु और रखा, ना ती तीरे ना ती दूरे ना बले ना ती दुर्बले व्रतहीने मूर्खे चा। आपने एक बिंदु और रखा कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है, शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है, हम ही गिरते हुए संभाले दीवारों को वरना बुजुर्गों की सलीके से निशानी कौन रखता है। अच्छा, बुजुर्गों की निशानी आप रख रहे हैं कि तोड़ रहे हैं? रखने का काम आपका है कि तोड़ने का है? हैं भाई, नगर बस्ती में आग तुम लगाओ, गौओं को तुम मारो, ब्राह्मणों को तुम सताओ, और कह रहे हैं बुजुर्गों की निशानी हम संभाल कर रख रहे हैं। आपने बिंदु रखा है कि राजा जनक अति बलवान की खोज कर रहे हैं, छह लोगों को कन्या नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? कारण क्योंकि अगर इन छह लोगों को कन्या दो तो वो कन्या ना घर की रहेगी ना घाट की, यही इनका मूल बिंदु है कि ना अति बलवान को देनी चाहिए, ना जो बहुत दुर्बल हो उसको नहीं देनी चाहिए, जो अधिक पास हो उसको कन्या नहीं देनी चाहिए, जो अधिक दूर हो उसको कन्या नहीं देनी चाहिए, जो व्रतहीन चरित्रहीन हो जिसका चरित्र अच्छा ना हो उसको अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए, और जो मूर्ख है उसको कन्या नहीं देनी चाहिए। एक बात बताइए, आपने जो सिद्धांत राजा जनक के ऊपर लगाया, क्या इस सिद्धांत का पालन आपने स्वयं किया? नहीं किया। भाई दूसरों को उपदेश देना तो अच्छा लगता है, लेकिन उस पर स्वयं अमल करना बहुत कठिन होता है। यद्यपि आपका विवाह भी हुआ, आपके जो ससुर हैं मैदानों, उन्होंने अपनी कन्या मंदोदरी का हाथ आपके हाथ में दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जानते थे कि आगे चल करके तुम राक्षसों के राजा बनोगे, और साधारण राजा नहीं, विश्व के वैभवशाली सम्राट बनोगे। तो क्या मंदोदरी घर की रहेगी घाट की? कहां पर है? यहां तक आपके भाई कुंभकर्ण बलवान ही नहीं अति बलवान है। कुंभकर्ण अति बल, कुंभकर्ण अस भ्राता, कुंभकर्ण के समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। उसका भी आपने विवाह किया तो उसकी घरवाली कहां की रही, घर की ना घाट की? हैं? और आपने विभीषण का भी विवाह किया तो विभीषण तो वीर ही नहीं है, हैं? विभीषण तो वीर ही नहीं है, वो तो एक भक्त है, तो क्या उसकी घरवाली घर की रही कि घाट की? और आपने एक बिंदु और रखा था कि जो घर बार कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा, अगर कन्या के अनुरूप वर मिले घर मिले तो विवाह करना चाहिए। हाँ, और ध्यान दे,
आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर रामोण बाणासुर संवाद, कांटे का संवाद चल रहा है। इसी सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए 51 रुपए का पुरस्कार हमारे जाने पहचाने धर्मेंद्र यादव रामलीला न्यू आदर्श रामलीला मंडल के द्वितीय संचालक, इनकी ओर से 51 रुपए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पहले एक पिता को कन्या के लिए घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, तब कन्या के लिए विवाह करना चाहिए। लेकिन राजा जनक ने ऐसा नहीं किया, उसका एक कारण है। ये जो सिद्धांत आपने बताया वह सिद्धांत लौकिक जगत के राजाओं के लिए है, जो लौकिक जगत में है, और सीता है अलौकिक। तो राजा जनक ने उस सिद्धांत का पालन नहीं किया, एक अलौकिक की खोज के लिए एक अलौकिक को माध्यम बनाया, क्योंकि सीता अलौकिक। क्या इससे पहले कभी किसी को पृथ्वी से कन्या मिली है? नहीं मिली। अगर किसी को पृथ्वी से कन्या मिली हो तो बताओ, तो सीता है अलौकिक और ये धनुष भी अलौकिक, क्योंकि संसार में केवल दो ही धनुष पूजनीय हैं। इमें दुई धनुषे श्रेष्ठ दिव्य लोकाधि पूजते, एक ये अजगौ और दूसरा सारंग। तो एक अलौकिक की खोज के लिए महाराज ने एक अलौकिक को माध्यम बनाया। आपकी एक बात और रह गई कि जिस संसार में जब जब भी कोई समस्या आई है तो समस्या का समाधान या तो शस्त्र से हुआ है या फिर शास्त्र से हुआ है। कई जगह परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, ना शस्त्र काम आते हैं ना शास्त्र काम आते हैं। कहने का तात्पर्य कि संसार में जब भी समस्या आई है, ब्राह्मणों पर अगर समस्या आई तो ब्राह्मणों ने उसका निदान शास्त्रों से खोजा, और क्षत्रियों पर जब भी समस्या आई तो क्षत्रियों ने समस्या का निदान शास्त्रों से सोचा। मैं एक बिंदु आपको दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि संसार में जब जब भी समस्या आई है तो शस्त्र और शास्त्र से हुआ है, और मैं कह रहा हूं मेरी दृष्टि में कभी कभी ना तो शस्त्र काम आते हैं और ना ही शास्त्र काम आते हैं। जैसे भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, कि तुम जिसके ऊपर अपना हाथ रख दोगे वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने सोचा कि मैं क्यों ना हो इस वरदान का प्रयोग स्वयं भगवान शंकर पर करूं, और जब भगवान शंकर भस्म हो जाएंगे तो मैं ही सब शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो समस्या आ गई भगवान शंकर पर, तो क्या भगवान शंकर ने शास्त्र का सहारा लिया या शस्त्र का? ना शास्त्र का सहारा लिया ना शस्त्र का। विष्णु जी को आना पड़ा, यहां तक कि नारी का रूप धारण करके नृत्य भी करना पड़ा। ना शस्त्र का सहारा लिया ना शास्त्र का सहारा लिया। एक बात और, अगर ब्राह्मण केवल शास्त्र के माध्यम से निदान करते, भाई आपकी बात यही है कि अगर ब्राह्मणों पर समस्या आई तो शास्त्र से उसका निवारण करना चाहिए। आपकी बात को मैं सहजता से स्वीकार कर लेता, लेकिन जब भगवान परशुराम पर समस्या आई तो क्या भगवान परशुराम ने शास्त्रों का सहारा लिया कि शस्त्र का? भाई सहस्त्रबाहु अर्जुन जब गाय का हरण करके ले गया तो भगवान परशुराम ने शास्त्र का सहारा नहीं लिया, शस्त्र का सहारा लिया था। फिर धनुष टूट रहा है, आपको क्या परेशानी है? अपनी वाणी को अल्प विराम। सुंदर, सुंदर नहीं बल्कि अति सुंदर बाणासुर ने ऐसा परोस दिया कि सब लोग भ्रमित हो गए, ऐसा परोस दिया कि सब लोग भ्रमित हो गए। इन्होंने हमने जितने बिंदु रखे इन्होंने काट दिया, और उनमें ऐसा नमक मिर्च मिलाकर ऐसा परोस दिया कि सब लोग भ्रमित हो गए। बाणासुर जी, यदि
राजा जनक को अलौकिक की खोज थी तो बोले बंदी बचन भर सुनहुं सकल महिपाल। महिपाल माने अलौकिक तो नहीं होता, मैंने तो नहीं सुना। भाई तुमने सुना हो तो कोई बात नहीं, भाई मैंने तो नहीं सुना। भाई जब राजा जनक घोषणा करवा रहे महिपाल माने राजाओं के लिए, हां अलौकिक की खोज करनी थी तो अलौकिक जगत के लोगों को निमंत्रण देना था, कि इनको निमंत्रण देने का कि समझ में नहीं आ रहा। चलो और हमने जो बिंदु रखे कि घर भर जो होए अनुपा छह लोगों को कन्या नहीं देनी चाहिए, तो उन्होंने हम पर आरोप लगा दिया। बाणासुर जी जो रावण करेगा तो वही मिथिला की ये प्रजा करेगी या राजा करेगा, ये रावण की क्षमता करेंगे क्या? अरे रावण तो वो है जो विश्व का वीर है और जो करता है वो अपने समान करता है, ये करेंगे क्या? या तुम करोगे? और देखो अपने क्रम में, और यदि तुमने कहा भस्मासुर युक्ति तो हाँ ये है, कभी कभी ना शस्त्र काम आते और ना शास्त्र काम आते, ये तो सही है। क्योंकि एक बार जब निमुच नाम के दैत्य का वध देवता करने में सक्षम नहीं थे तो भगवान शंकर के पास पहुंचे, उन्होंने पूछा कि उसका निमुच नाम के दैत्य का वध कैसे होगा। तब उन्होंने बताया कि निमुच नाम के दैत्य का वध केवल समुद्र के फैन से होगा और उसका प्रयोग करो तो वध हो जाएगा। ये तो हम तुम्हारी बात मान सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है। परशुराम, देखो परशुराम की बात तो हम करेंगे नहीं, वैसे वो ब्राह्मण थे तो उन्होंने शास्त्र का लेना चाहिए सहारा, लेकिन कभी कभी क्रोध में मनुष्य कदम गलत उठा जाता है क्रोध में। अब हमारे ऊपर आरोपों की बारी आई, क्या तुमने, तुम्हारे पिता ने भी तो किया वही जो हम कर रहे। एक समय दीति और अदिति के समय में उनके कार्यकाल में तुम्हारे पिता ने भी देवताओं को खदेड़ा मारा, उस समय फिर विष्णु ने एक युक्ति निकाली, तुम्हारे पिताजी को छला। और रावण की समता ये पुरनर नार सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ये करेंगी, तो फिर हमारा नाम रावण और ये प्रजा पुरनर नार क्या फर्क रह जाएगा? हमसे जो हम करेंगे वो ये नहीं करेंगे। अब अलौकिक, अलौकिक जगत में हमने ये आज तक नहीं सुना कि पृथ्वी से कन्या निकली, ये तो सत्य है। ये दो धनुष हैं, ये पूजते हैं, ये भी सत्य है, हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं। भाई जो सत्य है उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। यदि राजा जनक को विवाह करना था तो अष्टावक जैसे महर्षि, सतानंद जैसे कुलाचार, और जिनको नारद को कहा जाता है उनको, इनसे सलाह लेनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, किसी से नहीं। ये हमारे गुरु का धनुष है और जब तक हम हैं जब तक इनकी तरफ कोई देखेगा नहीं, और यदि किसी ने देखा तो पहले भी हम घोषणा कर चुके
कि उनका धड़ से मैं अपनी वाणी को अर्ध रण क्षेत्र में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा और